चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के लैब की तरफ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेम्पलेट कैसे लिखा बनाया जाता है और टेम्पलेट के अंदर जो हम कोडिंग करेंगे वो कौन सी लैंग्वेज का होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था टेम्पलेट के अंदर जो हम कोडिंग करते हैं वो दो लैंग्वेज पे आप कर सकते हो, यामल और एक जैसा। दोनों ही बहुत इजी लैंग्वेज है, प्लेन टेक्स्ट लैंग्वेज है, आपको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और अभी तक कोई तीसरा लैंग्वेज आया भी नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक बात आपको और बोली थी कि जब आप टेम्पलेट बनाएंगे तो टेम्पलेट बनाने के दो मोड होते हैं, आप ऑफलाइन मोड में बैठ के भी बना सकते हैं और ऑनलाइन मोड में भी बैठकर बना सकते हैं। ऑफलाइन मोड में बैठ के बनाएंगे तो आपको इंटरनेट की कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आप ऑफलाइन मोड में क्या करते हैं, सिंपल आप एक नोटपैड फाइल ओपन करते हैं और उसके अंदर अपनी कोडिंग करते हैं। लेकिन जब आप ऑफलाइन मोड में कोडिंग करेंगे ना टेम्पलेट बनाने के लिए, तो वहां पर अगर आप कुछ सिंटेक्स को लेकर मिस्टेक करते हैं तो वो मिस्टेक सिंटेक्स एरर आप पकड़ नहीं पाएंगे। मतलब आपको मैनुअल खुद ही चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ पे क्या मिस्टेक किया। कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो हाईलाइट कर दे। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन मोड में बैठ के टेम्पलेट बना रहे हैं, वहां कोडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे फिर आपको इंटरनेट रिक्वायर्ड है। लेकिन एक फायदा भी है कि अगर आप सिंटेक्स में कुछ मिस्टेक करते तो आपको हाईलाइट कर देता है रेड कलर में। तो इसी तरीके से मैं आपको इस वीडियो में एक छोटा सा टेम्पलेट बनाना दिखाऊंगा, बनाना सिखाऊंगा, और कैसे सिंटेक्स क्या होता है अंदर कोडिंग करने का वो भी मैं आपको सिखा के चलूंगा। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी नोटपैड एक फाइल है, मैंने एक नोटपैड फाइल ओपन किया और उसके बाद डबल कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, ये डबल कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे क्या कर रहा, पहला वाला कर्ली ब्रैकेट जो है ये ओपन कर रहा और क्लोज कर रहा। जो भी कोडिंग हम करेंगे वो इन कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही करेंगे, लिखेंगे तो इस जोन इन इनके बीच में ही लिखा जाएगा जो भी लिखेंगे। तो मैंने एंटर किया और मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट के इतने सारे सेक्शंस होते हैं, राइट। और मैंने ये भी बताया था कि रिसोर्स वाला सेक्शन रिक्वायर्ड होता है, बाकी सारे ऑप्शंस ऑप्शनल होते हैं। लेकिन बाकी के सेक्शन जो है ना वो एक आपके टेम्पलेट को थोड़ा स्मार्ट बना देता है। कंडीशंस वगैरह अगर आप सेक्शन यूज करें तो काफी स्मार्ट हो जाता है आपका टेम्पलेट। बट हम इन सेक्शन को अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम इन सेक्शन को डिस्कस करेंगे जब हम ये सारी सेक्शन को पढ़ लेंगे। जब हम सारे सेक्शन के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब हम इनको यूज करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको एक रिसोर्स सेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलो अब मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, डबल कोट्स लगाना लगाया मैंने यहाँ पर, और ध्यान रखिएगा डबल कोट्स लगाना मैंडेटरी है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रिसोर्स। ठीक है, अब रिसोर्स का आर कैपिटल होना जरूरी है, अगर आपने स्मॉल कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा आर हमेशा कैपिटल रखना है और बीच के कोई भी लेटर आपको कैपिटल नहीं करना है, स्मॉल होने चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे कोलन देंगे और कोलन के बाद अभी जो कोलन देते हैं आप स्पेस देके भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलन यहाँ पे मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा एक बार बस। उसके बाद मैंने यहाँ स्पेस दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट दिया, रिसोर्स सेक्शन को मैंने ओपन किया और रिसोर्स सेक्शन के अंदर नीचे आया और उसके बाद मैं यहाँ पर रिसोर्स का नेम, तो जब मैंने रिसोर्स दिया तो एक रिसोर्स का नेम यहाँ पे मैं डिसाइड कर सकता हूँ, कुछ भी आप रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट EC2 इंस्टांस, जरूरी नहीं कि आप भी ये लिखे, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर मैंने इसको डबल कोट्स के साथ क्लोज किया, फिर कोलन, फिर मैंने ये ओपन किया। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा के, तो एक ये कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, एक ये हो रहा, और ये जो ओपन हो रहा था इसको तो मैंने पहले ही क्लोज कर दिया। देखो तो ये ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है, इन दोनों को बाद में क्लोज भी करना पड़ेगा। एंटर किया और देन उसके बाद फिर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे टाइप, तो टाइप का टी कैपिटल होना चाहिए और उसके बाद कोलन और टाइप यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे। तो टाइप जो होगा जैसे मैंने लिखा AWS, उसके बाद डबल कोलन, उसके बाद EC2, उसके बाद डबल कोलन और देन उसके बाद इंस्टेंस। अब इसको आप सब ये चीज समझने वाली है, टाइप में देखिए ये जो AWS है ये प्रोवाइडर हो गया और ये हो गया सर्विस का नाम। अगर सर्विस आपकी लोड बैलेंसर है तो यहाँ पे लोड बैलेंसर आएगा, अगर सर्विस आपकी ऑटो स्केलिंग है तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग आएगा, अगर आपकी सर्विस √53 है तो यहाँ पे √53 आएगा। अभी मैं EC2 सर्विस पे काम कर रहा हूं तो मैंने EC2 लिखा। अब EC2 सर्विस के अंदर देखिए बहुत सारे रिसोर्स आते हैं, जैसे अभी मैं इंस्टांस बना रहा हूं तो मैंने यहाँ पे इंस्टांस लिखा। अगर आप वॉल्यूम
ईसी टू सर्विस के अंदर अगर आप वॉल्यूम क्रिएट करने जा रहे हैं क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट के थ्रू, तो फिर आप यहाँ पर क्या लिखें, वॉल्यूम लिखें, ठीक है। अगर आप वीपीसी बनाने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे वीपीसी लिखें। मैं यहाँ पर इंस्टेंस बना रहा हूं तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इंस्टेंस। ये चीजें चेंज नहीं होंगी। अगर आपको ये चीजें में कुछ डाउट है तो आप इंटरनेट में जाके सिंटेक्स निकाल सकते हैं। क्या आप सिंटेक्स निकाल सकते हैं और कैसे निकालेंगे, गूगल पे चलिए मैं आपको सिखा देता हूं। गूगल पे जाकर आप यहां जाइए और यहां पे लिखिए AWS रिसोर्स टाइप। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, आप समझ जाएंगे अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए रिसोर्स एंड प्रॉपर्टी टाइप्स बता रहा, रेफरेंस बता रहा आपको। यहां आ जाइए, देखिए हमारी सर्विस EC2 है, क्लिक किया मैंने और ये देखिए यहाँ पे डिफाइन है AWS:EC2:instance। अगर आप वॉल्यूम बना रहे हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, देखिए क्या रहा वॉल्यूम। अगर आप वीपीसी तो वीपीसी, अगर वीपीसी एंड पॉइंट तो एंड पॉइंट, देखिए वीपीएन तो वीपीएन। तो अगर आपको क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट बना रहे हैं और आपको टाइप में मिस्टेक होता है तो आप दिमाग मत लगाइए, आप गूगल पे आइए और यहां से ले लीजिए, ठीक है, यहां से ले लीजिए। अगर आप इलास्टिक आईपी बना रहे तो यहां से ले लीजिए, लेकिन ये चीज ऐसे ही रहेगी, इसको चेंज नहीं करोगे, क्लियर। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉमा दिया और कॉमा करके नीचे आया और नीचे आके इस टाइप के अंदर मैं अब प्रॉपर्टीज सेट करूंगा। इस टाइप के अंदर इंस्टेंस के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, इमेज क्या होगा, की पेयर क्या होगा, वीपीसी क्या होगा, सबनेट होगा, जस्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रॉपर्टीज का पी कैपिटल, प्रॉपर्टीज लिखा मैंने यहाँ पर कोलन और प्रॉपर्टीज को भी मैंने ओपन किया यहाँ पर, और देन उसके बाद नीचे आया और यहाँ पर मैंने लिखा इमेज आईडी, ठीक है, इमेज आईडी। तो अब मैंने यहाँ पर इमेज आईडी लिखी, देखिए तो इमेज आईडी, अब इमेज कहाँ से लेके आए तो इमेज चलता हूं मैं यहाँ पर, अभी मैं फिलहाल आपको ये प्रैक्टिकल दिखाने के लिए इमेज जो है मैं यहां से निकाल लेता हूं। यहां से इमेज मैं निकालता हूं, ये इमेज देखिए मैं यहां से कॉपी किया, ठीक है, और ये इमेज मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया, बस बात खत्म। अब यहां पर प्रॉपर्टीज में और क्या क्या आ जाएगा, आप यहां पर की पेयर दे सकते हैं, नंबर ऑफ चीजें दे सकते हैं, और प्रॉपर्टीज में और क्या क्या आता है ये सिंटेक्स भी आप गूगल से देख सकते हैं। तो गूगल पे जाइए, देखिए जो आपने रिसोर्स टाइप में आए थे यहां पर नीचे आइए, सॉरी इंस्टेंस में जाइए, देखिए यहां क्लिक करिए तो यहां पर देखिए आपको बता रहा है, देखिए प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ सकता है, नंबर ऑफ चीजें आ सकती हैं। अभी आपने इमेज आईडी दिया है, ऐसे होस्ट आईडी आ सकती है, ऐसे देखिए नंबर ऑफ चीजें, की नेम देखिए आ सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप आ सकता है, देखिए टेनेंसी आ सकता है, टैग आ सकता है, सबनेट आईडी, नंबर ऑफ चीजें, वॉल्यूम, सब कुछ आ सकता है, नंबर ऑफ चीजें आ सकती है यहाँ पर। लेकिन अभी मैं सारी चीजें डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ मैं इमेज देके चल रहा हूं। और अगर आपने प्रॉपर्टीज में और चीजें डिफाइन नहीं किया, जैसे की नेम नहीं डिफाइन किया, इंस्टेंस का टाइप डिफाइन नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट वाला पिकअप करेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब आप ये टाइप के अंदर, ये जो प्रॉपर्टीज के अंदर जो आप डिफाइन करेंगे, यहां पर इमेज आईडी का सिंटेक्स ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन है, मान लीजिए इमेज आईडी अगर आपने यहां पर डी कैपिटल कर दिया या आपने यहां पर आईडी कैपिटल स्मॉल कर दिया, तो दोस्तों आपको एरर देखने को मिल सकता है। तो आप बेस्ट प्रैक्टिस ये होता है कि आपको अगर कुछ डाउट है कि इमेज आईडी ऐसे ही आएगा क्या या नहीं आएगा, तो आप यहां पे आके चेक कर लें। देखिए इमेज आईडी ऐसे ही लिखें, अगर आप इंस्टेंस टाइप दे रहे हैं तो इंस्टेंस टाइप में ऐसे ही लिखें, ऐसा नहीं है कि इंस्टेंस का आई कैपिटल और ये वाला टी स्मॉल कर दिया, तो नहीं चलेगा। जो कैपिटल वाली बात मैंने किया था वो यहां पे आएगा, ये लेकिन जो प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज ऐसा ही आएगा। आपको डाउट होता है यहां से आके निकाल लें। अभी मैं ये सारी चीजें डिफाइन नहीं कर रहा, सिर्फ इमेज आईडी पे लेके चल रहा हूं, आगे आपको सारी चीजें करके बताऊंगा, ठीक है। चलो तो ये इमेज आईडी मैंने डिफाइन कर दिया। अब यहां पर आप देखें
आपने कितने ब्रैकेट ओपन किया, एक ही ओपन किया, एक ही ओपन किया, एक ही ओपन किया, ये वाला जो आपने शुरू में ओपन किया था ये तो हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो आपने जितने ब्रैकेट ओपन किए हैं उतने ब्रैकेट आपको क्लोज भी करने पड़ेंगे। तो मैंने एंटर किया, ये मैंने क्लोज किया, तो ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज करना है, तो एंटर किया, ब्रैकेट क्लोज, तो ये वाला क्लोज हो गया। अब ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज करना है, तो मैंने क्या किया, एंटर किया और ये ब्रैकेट क्लोज। तो देख सकते हैं ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया, ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया और ये ब्रैकेट ये क्लोज हो गया। बस तो ये छोटा सा मैंने आपको कोड लिखना बताया। अब क्या करना है आपको, अब यहां पर आप इसको सेव करिए। तो मैंने इसको सेव एस किया और सेव एस करके मैंने डेस्कटॉप में इसको रख लेता हूं और मैंने नाम दे दिया क्लाउड नॉलेज के नाम से। कोड ये नाम दे दिया मैंने और यहां पर मैंने क्या किया, ऑल फाइल्स। बस अब मैं इसको बंद कर ऐसे रहने देता हूं। अब चलते हैं AWS पे लॉग इन करते हैं और स्टैक बनाते हैं। तो ये AWS पे लॉग इन किया मैंने और क्लाउड फॉर्मेशन पे स्टैक बनाने से पहले आप एक रोल बना ले, पता है क्यों, क्योंकि जब आप क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक बनाएंगे तो उस स्टैक को परमिशन भी चाहिए ना डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो हम एक रोल बनाएंगे, रोल पे रोल जो बनाएंगे वो क्लाउड फॉर्मेशन के लिए बनाएंगे, उस पर परमिशन दे देंगे और फिर स्टैक बनाते टाइम वही रोल यूज करेंगे। जिनको ये शब्द समझ में नहीं आया तो वो लोग पहले मेरा IAM का टॉपिक जाके पढ़ लीजिए। तो चलते हैं पहले हम यहां पर IAM के टॉपिक में रोल बनाने। तो रोल पे आ जाएं, और क्रिएट रोल, और रोल आप EC2 के लिए नहीं बना रहे, यहां ये क्लाउड फॉर्मेशन के लिए मैंने बना रहा। तो नेक्स्ट किया, और देन उसके बाद रोल पे मैं एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस दे देता हूं और टैग की वैल्यू यहां पे मैंने बोला क्लाउड नॉलेज। रोल का नाम भी मैंने क्लाउड नॉलेज दिया और नेक्स्ट क्रिएट। तो ये रोल मेरा बन गया। अब आप जाएं यहां पर क्लाउड फॉर्मेशंस के डैशबोर्ड में जाएं, क्लाउड फॉर्मेशंस ये आ गया, ये पहले से बना हुआ था, मैं इसको डिलीट करता हूं। इस पे आपको नोटिस नहीं करना है, कैन नॉट बी अज्यूम, कोई नहीं। मैं यहां पे एक नया स्टैक बना लेता हूं, क्रिएट न्यू स्टैक। एक मिनट रुक जाइए, आपको मैं दूसरा रीजन ले लेता हूं, कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया रीजन पे चलते हैं। एकदम फ्रेश, ठीक है। तो अब मुझे एक काम करना पड़ेगा, रोल मैंने उस वाले रीजन में बना दिया है, तो मुझे इस वाले रीजन में आके रोल बनाना पड़ेगा। तो 2 मिनट, यहां पर भी मैं IAM तो ग्लोबल है ना, कोई बात नहीं, इसी रोल को हम इस्तेमाल कर लेंगे क्योंकि IAM सर्विस तो ग्लोबल है, कोई बात नहीं। सीधे आइए आप क्लाउड फॉर्मेशन में, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, आपने जो टेम्पलेट लिखा है ना, इस टेम्पलेट में जो आपने इमेज यूज किया, इमेज आईडी, वो वर्जीनिया रीजन की इमेज की आईडी थी। अभी हम कैलिफोर्निया में आ गए तो हम कैलिफोर्निया रीजन के इमेज को आईडी को दे देते हैं, नहीं तो फिर वो दिक्कत आ जाएगी, वो बोलेगा इमेज नॉट फाउंड। तो 2 मिनट का टाइम दीजिए बस।
लॉन्च इंस्टेंस ये इमेज आईडी सेट कॉपी किया और अपना कोड पेस्ट कर दिया. परफेक्ट. अब इसको करते हैं सेव और अब चलते हैं कैलिफोर्निया रीजन के क्लाउड फॉर्मेशंस में. ठीक है और डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूं. चलो अब देखिए आप ऐसा आएगा आपके सामने तो आप यहां पे क्रिएट स्टैक करेंगे और देन इसके बाद आपसे बोलता है आपके पास टेम्पलेट रेडी. क्या टेम्पलेट आपके पास रेडी है? बिल्कुल. या आप यूज सैंपल टेम्पलेट या क्रिएट टेम्पलेट इन अ डिजाइनर. तो क्या डिजाइनर से टेम्पलेट बनाना चाहते हैं? मैंने बोला नहीं. यूज सिंपल टेम्पलेट नहीं. टेम्पलेट इज रेडी, मेरे पास रेडी है. अब कह रहा है स्पेसिफिक टेम्पलेट. अब आपका टेम्पलेट ये जो मैंने टेम्पलेट बनाया है ये टेम्पलेट मैं क्या करूं, ये टेम्पलेट मैं क्या करूं, S3 कैलिफोर्निया में जाके एक S3 बकेट बनाऊं या किसी और रीजन में जाके एक बकेट बनाऊं और उस बकेट पे ये टेम्पलेट फाइल को अपलोड कर दूं और उस बकेट को S3 बकेट का URL यहां पे दे दूं, वो पिकअप कर लेगा. ठीक है. लेकिन मैंने बोला नहीं, अपलोड अ टेम्पलेट फाइल. मैंने बोला लोकल सिस्टम पे है तो मैंने ये किया अपलोड टेम्पलेट फाइल और उसके बाद मैंने यहाँ पर चूज फाइल किया और यहाँ पर आके मैंने डेस्कटॉप पे गया और क्या नाम रखा था मैंने, क्लाउड नॉलेज कोड, ये रहा. तो अब मैंने इसको ओपन किया. अब देखो ये चूज फाइल कर रहा है. देखिए देखिए उसके बाद जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूं तो ये देखिए आगे आ गया. मान लीजिए इस टेम्पलेट में अगर कुछ मैंने सिंटेक्स गलती की होती तो यहां पर मुझे एरर दे देता, ये वाला स्टेज आता ही नहीं. तो मान लीजिए मैं इस पे एरर क्या कुछ मिस्टेक करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया था कैपिटल आर होना चाहिए. अगर मैं इसको स्मॉल आर किया और अब सेव करता हूं, ठीक है, अब मैं इसको बैक गया और मैंने चूज फाइल डेस्कटॉप क्लाउड नॉलेज कोड. तो अब देखें आप नेक्स्ट किया मैंने तो देखें यहां पर आपको एरर बता दिया, देख सकते हो. तो अगर आप कुछ मिस्टेक करोगे तो आपका टेम्पलेट अपलोड ही नहीं होगा. तो अब मैंने इसको मिस्टेक को सही कर दिया और जब मैंने ये मिस्टेक सही किया और अब मैं दोबारा अपलोड करता हूं तो अपलोड हो जाएगा. देखें अब मैं यहां पर गया तो ये सारी चीजें ना इंटरव्यू में पूछी जाती हैं जो मैं आपको बता रहा हूं. ये अब देखें परफेक्ट तरीके से अपलोड हो जाएगा. देखें नेक्स्ट, देखें कोई एरर नहीं आया. अब एक और मिस्टेक करते हैं. अगर मैंने यहां पर मिस्टेक कर दिया, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कोलन भूल गया लगाना, तो अब देखें सेव करता हूं और दोबारा अपलोड करता हूं तो फिर एरर दे देगा वो. तो देखें अगेन आपके सामने एरर दे दिया इसने और लाइन नंबर भी बता दिया. तो इसका मतलब इससे प्रूफ होता है कि कोलन इज अ मैंडेटरी. ठीक है, अब स्पेस अगर आप दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. देखो स्पेस दें तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो अब मैं अपलोड करता हूं, स्पेस दिया था मैंने. तो देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इस चीज से प्रूफ होती है कि मैं आपको जो थ्योरी बता रहा था दैट इज अ परफेक्ट. क्लियर. अब देखिए अगर मैं यहां पर इमेज आईडी में जैसे ये यहां पर कुछ भी मिस्टेक करता हूं तो आपको कोड ही अपलोड नहीं होगा, आपका टेम्पलेट ही अपलोड नहीं होगा. तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलना है. ठीक है, तो चलो मैं बैक आता हूं और कोड को एक बार चेक कर लेता हूं, कुछ गलती तो नहीं है, परफेक्ट है. और अब मैं इसको क्या करता हूं, यहां से चूज फाइल और मैंने यहां पर क्लाउड नॉलेज और नेक्स्ट किया मैंने. अब देखिए कह रहा है स्टैक का नाम बताइए, तो स्टैक का नाम मैंने यहां पे दे दिया क्लाउड नॉलेज और नेक्स्ट किया. अब वही की वैल्यू टैग पूछ रहा है.
क्लियर। अब देखिए परमिशन तो कह रहा है रोल हमने जो बनाया था वो रोल यहां पे हमने डिफाइन कर दिया, और देन उसके बाद नेक्स्ट, और अब मैं यहां पर क्रिएट स्टैक, जैसे क्रिएट स्टैक करूंगा तो इस कोड इस टेम्पलेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक मशीन बनाना, EC2 बनाना। तो ये टेम्पलेट हमने इस स्टैक पे डाल दिया, और ये स्टैक जैसे क्रिएट होगा तो इस स्टैक के अंदर जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर जो कोडिंग है वो अपने आप हो जाएगी। तो इस स्टैक के अंदर जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में क्या कोडिंग है, इंस्टेंस बनाने की। तो ये देखिए कैलिफोर्निया रीजन में एक इंस्टेंस बनाकर हमें दे देगा। तो मैं EC2 के डैशबोर्ड में चलता हूं, तो देखिए अभी कोई भी इंस्टेंस यहां पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं स्टैक को क्रिएट करूंगा यहां इंस्टेंस बन जाएगा। तो देखें यहां पर मैंने क्रिएट स्टैक किया, तो देखिए ये स्टैक रेडी हो रहा है। तो देखिए स्टैक आपका रेडी हो रहा है यहां पर। तो देखिए क्रिएट कंप्लीट। तो अब आप यहां जाएं तो देखिए रिफ्रेश करें, इसने एक इंस्टेंस बना दिया, देख सकते दोस्तों, देख सकते हो इसने क्या किया, एक इंस्टेंस इसने बना दिया। इसने बाय डिफॉल्ट इंस्टेंस का टाइप M1 स्मॉल उठाया, आपने जोन नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उसने जोन उठा लिया। उसके बाद आप देखें आपने की नहीं दिया तो यहां पर की नहीं आया, ठीक है, क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ बताया भी नहीं था। और अगर आप क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक में जाए तो अगर आप यहाँ पर टेम्पलेट में जाए तो देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, देख सकते हैं। तो ये ब्यूटी है दोस्तों क्लाउड फॉर्मेशन की। अभी तो एक छोटा सा एक ट्रेलर है, अभी तो आप रियल पिक्चर अभी आपने देखा ही नहीं क्लाउड फॉर्मेशन का, आगे बताऊंगा। पूरा का पूरा डेटा सेंटर डिप्लॉयमेंट करने का, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट करने का कोड आप यहाँ लिख दीजिए इस, और टेम्पलेट बना के रेडी कर दीजिए, इस टेम्पलेट को स्टैक में डाल दीजिए, स्टैक क्रिएट करिए, अपने आप बीपीसी बन जाएगा, अपने आप लोड बैलेंसर, अपने आप इंस्टॉल, पूरा का पूरा इंफ्रा बन जाएगा अपने आप। ये छोटा सा ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। तो अब मुझे अगर ये डी कमीशन करना है, डी प्रोविजनिंग मान लो अगर मुझे ये करना है, तो मैं इस स्टैक को, ये जो स्टैक बना है ये स्टैक को मैं यहां से डिलीट कर दूं, ये चीजें डी प्रोविजनिंग हो जाएगी। तो देखिए इस स्टैक को मैं करता हूं यहां से डिलीट, तो देखिए डी प्रोविजनिंग भी अपने आप हो जाएगी, ये इंस्टेंस भी अपने आप उड़ जाएगा। अगर उस स्टैक के अंदर जो टेम्पलेट है उस टेम्पलेट में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का कोड था, और आपने अगर उस स्टैक को डिलीट कर दिया तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर डी कमीशन हो जाएगा। तो देखिए डिलीट हो रहा है,
देखिए स्टैक डिलीट हुआ तो इंस्टेंस भी टर्मिनेट और प्रोसेस में बेसिकली डिलीटिंग द प्रोसेस। एक बार यहां से रिफ्रेश करता हूं, तो देख सकते हैं स्टैक गायब, स्टैक डिलीट कर दिया हमने, क्लियर। इसी तरीके से अगर मान लो इस कोड में मान लीजिए इमेज आईडी कुछ गलत हो गई, मान लो अगर मैंने इमेज आईडी का ए और 7 उड़ा दिया, मान लो कुछ गलती हो गई और मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं स्टैक बनाता हूं और मैंने यहां पे अपलोड टेम्पलेट फाइल किया, चूज फाइल किया और यहां पर मैंने दोबारा से उस सेम कोड को अपलोड करता हूं तो नेक्स्ट किया तो इस बार एरर नहीं आया, क्योंकि अपलोड करते टाइम एरर सिंटेक्स को लेकर आता है, लेकिन इसके अंदर आपने कुछ गलती किया तो उसका एरर नहीं आया। उसका एरर कब आएगा अभी देखिएगा। स्टैक का नाम इस बार मैंने लिख दिया क्लाउड नॉलेज। नेक्स्ट किया, टैग दे दिया मैंने यहां पर, और परमिशन नेक्स्ट, क्रिएट स्टैक। अब देखिए यहां पर एरर देगा, बोलेगा इमेज इज नॉट फाउंड। देख सकते दोस्तों क्या बोल रहा है यहां पर, क्या बोल रहा है यहां पर पढ़े, इनवैलिड एएमआई। देखिए इनवैलिड एएमआई साफ साफ आपको बता दिया और उसने रोल बैक कर दिया। तो रोल बैक का मतलब क्या है कि मान लीजिए यहां पर मैं इसके ऊपर नंबर ऑफ चीजें और दे रखा था, जैसे वॉल्यूम की पेयर, तो अगर ये वॉल्यूम कीयर पेयर तक बना दिया लेकिन इमेज आईडी में उसको आके कुछ प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पाया तो ये क्या करेगा, पूरा रोल बैक कर देता। पूरा रोल बैक का मतलब जो चीजें बनाया था वो भी डीकमीशन कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपके इस कोड के अंदर प्रॉपर्टीज के अंदर 10 चीज लिखी हुई थी, 8 चीजें बन गई, अब 9वीं चीज में कुछ दिक्कत आया तो उसने 8 को बने रहने देगा, 9वें को एरर देगा, नहीं, वो जो पहले बनाया वो उसको रोल बैक कर देगा। तो देखिए इसने रोल बैक किया और जो बनाया था उसे भी डिलीट कंप्लीट। तो ध्यान रखना है कि आपको ये चीजें लेकर, तो अगर मैं इसको वापस से परफेक्ट किया 7A और मैं इसको सेव करता हूं यहां से, और सेव करने के बाद मैं इस स्टैक को दोबारा से किया डिलीट। तो स्टैक डिलीट हो गया और मैंने इसको करेक्ट किया, करेक्ट करके मैंने इसको सेव करता हूं और सेव करने के बाद अगेन क्रिएट स्टैक और चूज फाइल नेम दे दिया मैंने, और देन नेक्स्ट टैग दे देते हैं इस बार डेव सर्वर। ये लो डेव सर्वर दे दिया हमने, परमिशन दे देते हैं, रोल अटैच कर दिया इस टैग को, एंड अगेन क्रिएट। देखो अब तो परफेक्ट बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आई। रिफ्रेश करते हैं तो देखें बन गया, क्लियर। इसी तरीके से जब आप टेम्पलेट के अंदर कोडिंग करते हैं तो आप इसको थोड़ा सिस्टमैटिक भी कर सकते हैं, जैसे अभी देखो इक्वल आ रहा है, आप इसको सिस्टमैटिक मतलब थोड़ा यहाँ पे स्पेस दे दें, है ना, टाइप के अंदर ऐसे स्पेस दे दें, ठीक है। आप इसको प्रॉपर्टीज को थोड़ा अंदर कर दें, ठीक है, ये थोड़ा आप ऐसे कर दें,
तो कई बार आपको ना इस तरीके से सिस्टमैटिक रूप से भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप ऐसे ना रखें तो भी, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कई लोग ऐसे लिखें तो आप घबराना नहीं है कि ये कौन सा सेंटेंस, ठीक है। अब देखें, मान लीजिए मैंने ये ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो अब आपको यहां पर सिंटेक्स का एरर नहीं पता करवा, आपको खुद जज करना पड़ेगा। अच्छा ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था तो ये क्लोज है, अच्छा ये स्टार्ट हुआ है तो ये इसको क्लोज कर रहा, अच्छा ये स्टार्ट हुआ है तो ये क्लोज हो रहा है, अच्छा ये इसका क्लोज है ही नहीं। तो अगर आप ये तो आपने ऑफलाइन मोड में लिखा, अगर आप ऑनलाइन मोड में लिखते तो कैसे लिखना होता? देखिए ऑनलाइन मोड में आपको ऐसे लिखना होता है कि आप गूगल पे आए और यहां पर लिखें ऑनलाइन जेसन एडिटर, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, और यहां से ओपन किए रहे और यहां पर बैठकर आप कोड लिखना स्टार्ट कर दें इस तरीके से। ये लें ऐसे कोड लिखना स्टार्ट कर दें आप यहां पर, ये लें, तो कुछ एरर करेंगे तो ये खुद ही आपको बता दिया करेगा। तो जैसे कि मैं अपना इस कोड है, ये मेरा कोड है, मैं इसको परफेक्ट करता हूं और मैंने इसको यहां से कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद मैं जैसन में जाके यहाँ पे ये ऑनलाइन एडिटर पे जाके पेस्ट किया, और देखिए प्रॉपर अगर मान लीजिए इस तरीके से है, ठीक है, ये लीजिए। अगर आप इसको प्रॉपर सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए सिस्टमेटिक बन गया, देखिए प्रॉपर सिस्टमेटिक हो गया ये। और मान लीजिए आपने कुछ मिस्टेक कर दिया ना, जैसे आपने ये कोड से यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे एरर बता देगा, देखिए बता रहा है आपको ये एरर, देखिए भाई ये गलती है, तो यहीं पे आपको पता लग जाएगा। तो ये फायदा होता है ऑनलाइन में। मान लीजिए मैं कोलन, जैसे जैसे कि मैं ये ब्रैकेट हटा दिया, देखिए एरर बता दिया, तो ये फायदा होता है दोस्तों ऑनलाइन बैठ के करने में। अब देखिए अब जैसे आप चेक करना चाहते हैं कि ये वाला ब्रैकेट स्टार्ट हुआ है तो क्या इसका क्लोज हुआ है, तो यहां पर ऐसे क्लिक क्लिक करें तो देखो बता रहा है ये, देखिए क्लोज। इसको चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक करें तो बता रहा है ये, देखिए क्लोज, छोटा सा हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करें तो बता रहा है ये भी क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करें देखो बता रहा है ये भी क्लोज हो रहा है। तो ये फायदा होता है कि ऑनलाइन में जाकर आप टेम्पलेट बनाए तो ये फायदा होता है कोडिंग करें। तो इस तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन में बैठ के काम करते हैं, ऐसे बना लिया और उसके बाद इसको ऐसे कॉपी किया, और कॉपी करके फिर वो लोग क्या करते हैं अपने नोटपैड पे गए, और ये लो सॉरी नोटपैड भी मजे ले रहा है आज, कोई नहीं हम इसको ऐसे, आई थिंक ये मुझे सही करना पड़ेगा और मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं नोट पैड प्लस प्लस ओपन कर लेता हूं। आप लोगों को भी रिकमेंडेड करता हूं नोट पैड प्लस प्लस यूज करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। तो ये नोट पैड प्लस प्लस में अगर मैं ला के वहां से कॉपी किया तो देखिए पफ है, देखिए इस तरीके से काम किया जाता है। तो ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था क्लाउड फॉर्मेशन लैब का, और अगले वीडियो में हम नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे क्लाउड फॉर्मेशन का। तो ये स्टैक कंप्लीट हो गया, इसको डिलीट भी करना था मुझे, तो इस स्टैक को देखिए मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। तो ये डिलीट हो रहा है, तो प्रोग्रेस में
तो देखो दोस्तों, ये स्टैक हमारा डिलीट हो गया और ये भी टर्मिनेट, ठीक है। तो इसी तरीके से ये छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था लैब के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन के, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्लाउड फॉर्मेशन के अगले सेक्शन पे। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।